हेलो फ्रेंड्स, मैं डीजे सूरज बिहार से। दोस्तों, आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा डीजे ट्रैक बनाने के लिए, जो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो दोस्तों, डीजे ट्रैक सिखाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं पहले एक डीजे रिमिक्सर था, जो मेरा वेबसाइट था suryadjmix.com, और मैं डीजे रिमिक्स बनाता था। लेकिन दोस्तों, अभी तो मैं डीजे रिमिक्स बहुत कम कर दिया हूँ बनाने के लिए, क्योंकि अब मैं एक स्टूडियो खोल लिया हूँ, म्यूजिक स्टूडियो, जो स्टूडियो का नाम है SM स्टूडियो सकूराबाद। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, और मेरा यूट्यूब चैनल है सूरज म्यूजिक सकूराबाद के नाम से। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगे सॉन्ग वगैरह, अगर कुछ भी अच्छा लगे, या फिर जो मैं आप लोग को डिजिटेक बताने जा रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए आप लोग को मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले FL स्टूडियो ओपन करना है। FL स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों, एक मिनट, ये मेरे FL स्टूडियो 20 है दोस्तों। अभी मैं 20 स्विच कर रहा हूँ, तो फ़र्क सब इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो गया है और कुछ नहीं। आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप आगे बताता हूँ आपको किस तरह से। दोस्तों, मेरा FL स्टूडियो जो आ गया है, सबसे पहले आप लोग तो इतना तो जानते ही होंगे सॉन्ग वगैरह इसमें लाना कैसे करना है, क्या करना है, ये क्या होते हैं, ये क्या है, पैटर्न किसे कहते हैं, पियानो रोल किसे कहते हैं, सब तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ये सब के बारे में बता देंगे हम कि आखिर ये सब है क्या। ये प्ले का ऑप्शन हो गया, मेरा स्टॉप है, ये सॉन्ग पैटर्न बजने का बटन है, या डिटेक्ट टेम्पो, अंडो कट, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। तो ये सब बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, जो काम की बातें हो बताते हैं। सबसे पहले कोई सॉन्ग ले लेते हैं, जो सॉन्ग जिस सॉन्ग का मुझे ट्रैक बनाना है, डीजे ट्रैक। सिंपल ट्रैक भी मतलब बना सकते हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन सबसे पहले अभी मार्केट में क्या है कि डीजे ट्रैक ही चल रहा है। तो आप लोग, तो चलिए इसमें सॉन्ग लेते हैं। कौन सा सॉन्ग ले लूँ, कोई भी सॉन्ग ले लेते हैं। सॉन्ग इसमें डाल देना है। देखिए दोस्तों, कुछ है नहीं। अगर जो डीजे सॉन्ग बनाते हैं उसके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है। बस जिस तरह से डीजे बनता है उसी तरह से बिल्कुल इसको भी बनाना है। लेकिन हाँ, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, क्या क्या प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन, सबके बारे में बताऊंगा, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। बहुत सारे हैं, निक्सस है जो 24 GB का है, निक्सस में बहुत सारे म्यूजिक होते हैं। तो ये सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले पार्ट वन है, मेरा पार्ट वन देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी मैं दूसरे डालूंगा, दूसरा पार्ट इसका बना कर डालूंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा। जब आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा वीडियो, तो क्या फ़ायदा बनाने से। चलिए दोस्तों, ये सॉन्ग हम ले लिए। सॉन्ग शायद प्रमोद प्रेमी यादव का है। तो इसको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले देखिए जो सॉन्ग हमारा है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। जो डीजे सॉन्ग बनाते हैं उसके लिए तो बिल्कुल आसान हो, तो जान ही रहे हैं कि इसको डिटेक्ट क्या करना है, फिट क्या करना, तो पता ही होगा। लेकिन मैं फिर ही बता रहा हूँ, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में डिटेक्ट टेम्पो, तो डिटेक्ट टेम्पो पर फिर क्लिक करना। अब डिटेक्ट टेम्पो में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, 50 to 100, 75 to 150, 100 to 200, 150 to 300, बहुत सारे आते हैं। तो ये दिया हुआ रहता है जैसे सॉन्ग के अनुसार रहता है। मान लीजिए कोई सॉन्ग फास्ट सॉन्ग है तो 100 to 200 पे दे सकते हैं। मान लीजिए कोई सैड सॉन्ग है, थोड़ा स्लो सॉन्ग है, तो उसे 75 to 150 पे टेम्पो कर सकते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, जब तक टेम्पो सही मैच नहीं होगा, जब तक सॉन्ग बन नहीं पाएगा, चाहे तो ट्रैक नहीं बन पाएगा और नहीं तो डीजे रिमिक्स बन पाएगा। तो अगर गलत भी ये ट्रैक, अगर मान लीजिए कि हम इसे गलत टेम्पो देते हैं, एक बार गलत टेम्पो हम मार के देखते, देखिए क्या होता है। अगर गलत टेम्पो, इतना याद रखिएगा आप लोग कि जो टेम्पो होता है वो 80 से कम में और 160 से ज़्यादा में नहीं बनता है। कोई भी सॉन्ग को अगर डीजे रिमिक्स करना हो, या फिर डीजे ट्रैक बनाना हो, या फिर गाना ही क्यों नहीं गवाना हो, तो 160 टेम्पो से ऊपर गाना नहीं गवा सकते हैं, नहीं तो डीजे रिमिक्स बना सकते हैं, और नहीं तो फिर
उसे ट्रैक बना सकते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, मैं इसे गलत टेम्पो दिया, मैं जान रहा था जानते हुए भी कि ये सॉन्ग फास्ट है, ये कम से कम 160 BPM 150 BPM पे आएगा, लेकिन हम इसको गलत टेम्पो दिए। कितना लिया, 72 लिया, तो हमारा BPM ख़राब। अगर इस पर हम यस करके इसको टेम्पो देकर हम बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। इसका ओरिजिनल टेम्पो जो है अभी हम लगाएंगे, इसका ओरिजिनल टेम्पो हम 100 to 200 पे क्लिक करते हैं। अभी जो इसका ओरिजिनल टेम्पो रहेगा वो टेम्पो आ जाएगा। तो इतना आपको नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सॉन्ग कितना है, मतलब कोई भी सॉन्ग फास्ट है तो 100 to 200 पे करें, और वो तो अंदाज मिलता ही है कैसा सॉन्ग है, कितना फास्ट है कितना फास्ट नहीं है। वो 72 आया था तो 72 तो कोई मायने नहीं रखता है ना, 80 से बहुत कम है। हाँ अभी देखिए 144 पॉइंट कुछ लिया है, सही है, तो सब इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद दोस्तों क्या करना है हमको, फिर इसी पे क्लिक करना दोबारा। क्लिक करने के बाद फिर टू टेम्पो, तो फिर मुझे उस टाइम मैंने डायरेक्ट टू टेम्पो दिया था, और अभी मैं इसे जब डायरेक्ट टेम्पो जितना ले लेगा उतने के बाद फिर क्या करना है, फिर उसी एरो पे जाना है। यहाँ पे एरो के पास जाने के बाद फिर टू टेम्पो पे जाना है। फिर टू टेम्पो के बाद जाने के बाद क्या करना है दोस्तों, आप लोग को ये सब सब छोड़ देना है, 100 to 200 जो भी, ये सब छोड़ देने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे कि 1440 जो है प्रोजेक्ट आपका बनाया है, इसको आपको फिट कर देना है, इस पर ओके कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये आपको सॉन्ग को फिट कर रहा है, देखिए कुछ टाइम लगता है दोस्तों। कुछ टाइम लगेंगे, बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ मेहनत करोगे सब कुछ हो जाएगा। मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं, जो मेहनत नहीं करो उसके लिए बहुत ये है, मतलब तो भारी रहेगा उसको, जो मेहनत करे उसके लिए कुछ नहीं है। बस फिट ले लिया। अब दोस्तों आप लोग करना क्या है, इसका बेस, इसका हार्ट बीट, इसको आप लोग को लाइन बाय लाइन मिलाना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4, या फिर क्लिक आप ले लीजिए, सॉन्ग को हम बंद कर दिए, क्लिक देखिए सुन करके, अभी जो बजाएंगे हम तो किट किट करके, देखिए कुछ ही आवाज़ करे दोस्तों किट किट करके। तो इस तरह से ना मुझे इस क्लिक को भी बंद कर देना है, और हमको जो है कि इसका हार्ट बीट जो है एकदम सेम टू सेम क्लिक के अनुसार मिलाना है। तो मिलाने के लिए सॉन्ग हम थोड़ा सुनेंगे, कहाँ पे इसका बेस पटक रहा है, कहाँ कहाँ गिर रहा है इसका बेस। तो मुझे तो लग रहा है कि यही है। अभी मान लीजिए इसको हम बैठा रहे हैं इस लाइन पे, जो मेरे मोटी वाली लाइनें हैं 2 पे 1 पे 3 पे या फिर 4 पे 5 पे, जो मोटी वाली लाइन है उस मोटी वाली लाइनें पे मुझे बैठानी है। अभी हम इधर उधर बैठा रहे तो नहीं आ रहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कीबोर्ड में जो अल्ट बटन आता है, अल्ट बटन पे प्रेस किए हुए रहना है, और प्रेस करके आप इसे कहीं भी ले जा सकते। देखिए इसे मैं बैठा दिया हूँ बेस को, अभी सुन के देखिए, और इसके बाद आप क्लिक ऑन कीजिए और इसको भी ऑन कीजिए, दोनों को बजाए साथ में बजे, मालूम चला नहीं ना, क्योंकि मेरा सही बैठा हुआ। अभी हम इसको यहाँ पर रखेंगे और क्लिक को हम प्ले करेंगे, तो क्लिक कहीं और, क्लिक का आवाज कहीं और निकल रहा है, बेस का आवाज कहीं और निकल रहा, देखिए सेम टू सेम नहीं है, और ये जो मेरा ये सही है। अब देखिए क्लिक क्लिक बाय क्लिक गिरेगा, लाइनिंग बाय लाइनिंग, 1 2 3 4 देखिए गिरेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसे करना क्या है, अगर डीजे अगर आपको सॉन्ग बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पैटर्न वगैरह लगना चालू हो जाएगा यहाँ से, लेकिन डीजे ट्रैक में ऐसा नहीं होता है। डीजे ट्रैक में आपको करना क्या है, इसको इसका सबसे पहले मास्टरिंग करना है, और मास्टरिंग करने के बाद इस सॉन्ग को एक्सपोर्ट करना है। और डीजे ट्रैक में क्या करना रहता है कि सॉरी डीजे डीजे सॉन्ग में क्या करना रहता है, इसका मास्टरिंग करने के बाद सेम टू सेम पैटर्न उटर्न लगाना चालू होता है, लेकिन नहीं डीजे ट्रैक में ऐसा नहीं होता। डीजे ट्रैक में सबसे पहले इसका मास्टरिंग कीजिए, मास्टरिंग करने के लिए तो आप लोग पता ही होगा ये जो हमारा चैनल होता है, चैनल में ले जाना पड़ता है, इसके लिए आपको सॉन्ग पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरो नजर आएगा, एरो पे ले जाने के बाद, हाँ एक बात और दोस्तों, ये जो है ना ए फल स्टूडियो 20 है तो इसमें कुछ और लिखेगा, और ए फल स्टूडियो अभी 12 जो पहले हम लोग यूज कर रहे थे 12, उस 12 में यहाँ पे कुछ और वहाँ पे शायद ऐड करके कुछ लिखेगा, ऐड करने का सुविधा, यहाँ पे कुछ लिख रहा है कि रॉड टू फ्री मिक्सर ट्रैक, तो यहाँ पे बात बराबर है, सिंपल है। तो क्लिक करके यहाँ पे आ गया मेरा चैनल 5 चैनल में। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि 1 2 3 4 में, 4 में क्यों नहीं लिया, 5 में क्यों आ गया, तो इसमें भी आ सकता था, लेकिन ये जो है 1 2 3 4 5, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आप पैटर्न में आते हैं
तो पैटर्न में यहाँ ऑल सेलेक्ट करने के बाद पहला में किक, दूसरा में क्लैप, तीसरा में हार्ट, चौथा में स्नेर, ये सब होते दोस्तों, इसीलिए वहाँ नहीं लेते हैं, ऑटोमेटिक फाइव में आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब सॉन्ग को हम मास्टरिंग करते हैं। तो सॉन्ग पर डबल क्लिक करने के बाद इसको तो चैनल में लेके चले गए थे ना, यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको लेना है कुछ भी लेना है मास्टरिंग करने के लिए। तो जैसे हम अभी ले लेते हैं क्या है कि एफ स्टूडियो, हाँ फिल्टर एक इसे ले लेते हैं दोस्तों, फ्रूटी फिल्टर। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सा इसको यहाँ, ठीक है, और फिर आना है आपको यहाँ पे फ्रूटी फ्री फिल्टर, इसको भी लेना है आपको। लेने के बाद क्या करना है, आधा इसको रखना है बस। अब आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद फिर आपको थोड़ा रिवर्ब लेना है, इसको कम कर देना है यहाँ से और कम। उसके बाद एक चीज़ और ले लीजिए आप, क्रोमेटिक की कुटो ले लीजिए, यहाँ यहाँ, ठीक है बस। अब सॉन्ग को सुन के देखिए। मुझे लग रहा है रिवर्ब इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों, आप लोग लग रहा, तो चलिए इसका रिवर्ब जो है इसको हम कर देते हैं कम यहाँ से। अब सॉन्ग सुन के देखते हैं। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका स्केल स्केल पता करना होगा तुम लोग, पता है स्केल, क्योंकि डीजे नहीं है जो बिना स्केल का बनाते हैं, इसका स्केल मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका नियम अनुसार है, इस सॉन्ग को आप एक्सपोर्ट कर लीजिए MP3, उसका बेस काट दिए ना, बेस कटने के बाद यहाँ पे गाना का नाम रख लीजिए, फ़ोन जानी कर कुछ भी, रुकिए इसका नाम यहाँ से निकाल लेते हैं, रिनेम करके कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आना है, एक्सपोर्ट में जाना है, MP3 में जाना है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको हटा देना है, यहाँ पे लिख देना है DJ ट्रैक, DJ ट्रैक, और डेस्कटॉप इसको कर देते हैं सेव। वो कुछ टाइम लगेगा, 1-2 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद में उसके बाद बताता हूँ दोस्तों। इसको होने दीजिए 56%, 57, थोड़ा सा टाइम लगते हैं ये क्वालिटी के अनुसार, क्वालिटी अगर कम करके रखेगा तो जल्दी हो जाएगा, इसके अनुसार है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का लाइक कम से कम 1K होगा, उसके बाद में दूसरा पार्ट डालेंगे। ऐसे दूसरा पार्ट नहीं डालेंगे जब तक 1K इसका नहीं होता है लाइक, जब तक हम दूसरे पार्ट डालेंगे नहीं। क्योंकि जो मैं ट्रैक बता रहा हूँ बनाने के लिए, बहुत मस्त ट्रैक बताऊँगा किस तरह से क्या होगा। और मेरा ट्रैक तो सुने ही होंगे, मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं हर हफ्ते एक ट्रैक डालता हूँ फ्री में। तो दोस्तों इसके बाद आपको देखना यह है, ये हो गया। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे सॉन्ग को कर देना म्यूट, ये सॉन्ग नहीं बजेगा। और आप जो अभी डेस्कटॉप पे जो सॉन्ग रखे हैं उस सॉन्ग को लाना, जिसका बेस्ट का बेस उस काट दिए हैं, काटने के बाद जो हम डेस्कटॉप पे अभी सेव किए हैं उस सॉन्ग को लाना है हमको। क्या सॉन्ग था, डिजिटेड था, इसको ले आना। लाने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, सिर्फ इसको करना है फिट। प्रोजेक्ट कितना था उतने के उतने ही प्रोजेक्ट पे इसको कर देना है सेव। कुछ टाइम लगेगा दोस्तों, चलिए हो गया। अब इसको आपको बीट पर बैठा लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे अभी फिलहाल इसको म्यूट कर दीजिए, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये हमारा जो सॉन्ग था इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसको करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, सॉन्ग पे जो पहले वाला सॉन्ग था उस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है दोस्तों, ये जो सॉन्ग है यहाँ से बजेगा भी सॉन्ग, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो बजना भी चालू रहता है। यहाँ पे आने के बाद आपको एडिट में जाना है, एडिट देख रहे दोस्तों, यहाँ पे एडिट में जाने के बाद एक तरह का आया, देखिए किस तरह का आया। अब इसमें आपको एक सेटिंग आएगा, देखिए यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद कन्वर्ट टू डम पियानो, हाँ यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद, लेकिन यहाँ पे जाने के से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे पैटर्न में जाना है। यहाँ तक आ जाने का पैटर्न में जाना है, पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ही प्लगइन ले लीजिए। कैसे प्लगइन, मान लीजिए मैं एफएल की ले लेता हूँ। एफएल की लेने के बाद ये जो हमारा जो ब्लू कलर का यहाँ पे जो आ रहा मार्कर, इसमें भी आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो नहीं हमको इसमें करना है। इसमें करने के बाद अब यहाँ पे आना है हमको, और उसके बाद सेटिंग में जाना है, और उसके बाद दम पियानो पर मारना है, उसके बाद यस करना है। अभी कुछ टाइम लगेगा, ये जो है हमारा स्केल पकड़ेंगे कि हमारा कौन सी स्केल से मतलब ट्रैक बनेगा, सी माइनर, बी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, ई मेजर, ए फ्लैट, बी फ्लैट, बहुत सारा इसमें, तो आपको बताएंगे अभी कैसे क्या करना है। ये काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों यहाँ पे। और फिर एक उपाय और है, यहाँ दम पियानो न जाने के बाद एक पिच टू टेम्पो आता है, जो सॉन्ग पे जो एरो था यहाँ पे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद जो वहाँ से पिच टू टेम्पो भी जा सकते हैं। कुछ टाइम लगेगा दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड, वो जो मेरा दम पियानो जो हम कर रहे थे वो सक्सेस नहीं हो पाया था, इसके लिए हम इसको पिच टू टेम्पो कर रहे हैं। और इसके बारे में बताता हूँ आपको, 78% हो गया, ये भी होता है नहीं होता है। वो दम पियानो शायद एफएल स्टूडियो 20 के कारण नहीं हो रहा, एफएल स्टूडियो 12 में उसी तरह से करता था। तो अभी हाँ इसमें तो होगी। इसमें आपको करना क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे जाना है आपको, जाने के बाद, और उस टाइम हम लोग सेटिंग में गए थे ना डबल क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करने के बाद एडिट में गए थे, यहाँ पे एडिट में आए थे, एडिट में आने के बाद सेटिंग में गए थे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर दम पियानो मार, नहीं यहाँ पे नहीं जाना है अभी। आप लोगों को करना क्या है,
यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पिच टूटे यहाँ पे है, पिच कंट्रोलर कुछ है सैंपल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेंगे लगेगा, कुछ टाइम लगने के बाद आपको इस तरह का आ जाएगा। इस तरह का आने के बाद आपको पैटर्न में जाना है, और यहाँ पे कुछ आपको एप्पल की जैसा मान लीजिए ले लिया फिलहाल के लिए। और यहाँ पे जो एरो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो वो 3 दूनी 6 बूंदे का कुछ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारा पैटर्न में आ गया। और इससे क्या करना है देखिए, सॉरी इसे देखिए बजा के दिखाता हूँ। अब इसमें हमको पकड़ना पड़ेगा स्केल की, मेरा स्केल है कहाँ पे, तो इसको फिलहाल हम रखेंगे यहाँ पे सॉन्ग के पास ऐसे। इसको कर देंगे बंद। इस जो मेरा बेस कटा हुआ था ये था ना, इस डेस्कटॉप पे मैंने एक्सपोर्ट किया था इसी को ना, तो ऊपर वाला से पिच टू टेम्पो करके निकाला है, इसको मैं बीट पे बैठा दिया हूँ। अब आपको बजा के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आज तक यहाँ तक ही रहेगा, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अगले हफ्ते तक इसे अपलोड कर दूसरे पार्ट इसका जो है वो बना करके और मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप आगे डिजिट टेक सीखना चाहते हैं, इससे आगे इसमें बहुत अभी है, इस तो कुछ नहीं बताया है अभी। इसके बाद एक से एक म्यूजिक आपको बता तो रहे हैं कि 24 GB का जो निक्सेस है, फिर आपको कॉन्टैक्ट 5 है, ड्यून है, एक से एक मतलब प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन है, तो सब इसमें यूज करके बताएंगे आपको। ओरिजिनल ट्रैक के जैसा एकदम बिल्कुल बजेगा सॉन्ग, ये नहीं कि आजकल थोड़ा बहुत बनाने के सीख गया बिना स्केल का सब बना रहा है, और सही इसे आपको बताएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे क्या करना है। लेकिन हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। और हाँ एक बात और दोस्तों, जब तक इस वीडियो का 1K लाइक नहीं हो जाता है तब तक मैं दूसरे पार्ट नहीं डालूंगा दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।